उदाहरण दो, 87,56,904 का बीजांक प्राप्त कीजिए। 87,56,904 का बीजांक ज्ञात कीजिए। इस संख्या के बीजांक को प्राप्त करने के लिए तीन अलग अलग विधियों का उपयोग किया जा सकता है। जैसा कि हमने अभी इसके पहले उदाहरण में देखा था कि अंकों को जोड़ते जाएं और अंत में जो संख्या प्राप्त होगी एक अंक की, वह हमारा बीजांक होता है। तो इसमें देखते हैं कि जो पहला इसका जो हल है वो किस प्रकार से होता है। अंकों को आप जोड़ते जाएं, 8, 7, 5, 6, 9, 0, 4। इसे आप जोड़ेंगे तो कुल 39 प्राप्त हुआ, जो कि एक अंक की संख्या नहीं है। इसे हम पुनः जोड़ेंगे इसके अंकों को, 3, 9, तो यहां हमको मिलता है 12, यह भी एक अंक की संख्या नहीं है। इसके अंकों को अगर जोड़ते हैं 1, 2, तो यहां हमको मिलता है 3। तो इस प्रकार जो एक अंक की संख्या मिली है 3, वह हमारी दी गई संख्या 87,56,904 का बीजांक होगा। यह हमारा पहला हल है। दूसरा हल, इसी में दूसरा हल जो हम देखेंगे कि अंकों को जोड़ते जाएं और उसको हम एक एक अंक की संख्या में बदलते जाएं। जैसे 8, 7, ये मिला 15, इसको हम 1, 5 इसके अंकों को जोड़ करके एक अंक की संख्या बनाएं और अगली संख्या से, अगले अंक से इसे जोड़ दें। तो यहां पर मिला 11, 11 को हमने फिर से एक अंक में कन्वर्ट किया और फिर उससे आगे के अंक जोड़ते हुए इस प्रकार हम आगे बढ़ें, तो 8, 9, 17, 1, 7, 8, 8, 0, 8, 4, ये मिला 12 और 12 से 1, 2, यहां मिल रहा है 3। यहां भी देखेंगे कि जो दूसरी विधि है उससे भी हमें दी गई संख्या का बीजांक 3 मिल रहा है। इसी प्रकार तीसरी विधि है। इस विधि में जो दी गई संख्या है उसमें हम ये देखें कि उसमें कहां कहां पर 9 आ रहा है, 0 आ रहा है, या कोई ऐसे दो अंक हैं जिनका योग 9 के बराबर है, तो ऐसे अंकों को छोड़कर बचे हुए अंकों के योगफल से भी बीजांक निकाला जा सकता है। तो दी गई संख्या 87,56,904 में आप देखते हैं कि एक 0 है, एक 9 भी मिल रहा है और 4 और 5 का योग 9 के बराबर है। तो इन अंकों को छोड़कर जो बचे हुए अंक हैं 8, 7, 6, आप इसको अगर जोड़ेंगे तो आपको मिल रहा है 21, और इसके अंकों को जब आप जोड़ के एक अंक की संख्या बनाते हैं तो आपको मिलता है 3, जो कि दी गई संख्या का बीजांक है। इस प्रकार ये हल हमारा समाप्त होता है। तो इस प्रकार बीजांक ज्ञात करने में ध्यान देने योग्य कुछ बातें हैं जिसके ऊपर हम लोग यहां बातचीत करेंगे। इसमें कुल 6 बातों पर ध्यान देने की जरूरत होगी। पहली बात है, बीजांक ज्ञात करते समय जैसे ही योग 2 अंकों की संख्या प्राप्त हो वहां तुरंत जोड़कर एक अंक प्राप्त कर लेना चाहिए। दूसरी बात है, 0 और 9 जोड़ने या छोड़ने से बीजांक में कोई अंतर नहीं आता। तीसरी, किसी संख्या का बीजांक
उस संख्या में 9 के भाग देने पर बचने वाले शेषफल के बराबर होता है। अर्थात बीजांक ज्ञात करने का अर्थ है उस संख्या में 9 से भाग देने पर बचने वाला शेषफल ज्ञात करना। किसी संख्या का बीजांक 9 है, अतः वह संख्या 9 से पूरी पूरी विभाजित होती है। ऐसी परिस्थिति में उसका बीजांक शून्य ना होकर 9 ही होगा। अगली बात, 3 की विभाज्यता की जांच बीजांक से भी की जा सकती है। जिस संख्या का बीजांक 3, 6 या 9 हो, वह संख्या 3 से पूरी पूरी विभाजित होगी। आखिरी महत्वपूर्ण बात, बीजांक से उत्तर की जांच की जा सकती है, अतः इसका पर्याप्त अभ्यास करना चाहिए जिससे बीजांक मुखाग्र ज्ञात किया जा सके। बीजांक से उत्तर की जांच। वैदिक गणित में उत्तर की जांच की अनेक विधियां हैं। यहां हम बीजांक से उत्तर की जांच करना सीखेंगे। पहला, जोड़ना। जोड़ की जांच, संख्याओं के बीजांकों के योगफल का बीजांक उत्तर का बीजांक होने पर उत्तर सही होगा।